तो गुड मॉर्निंग गाइस, ये रहे मेरे छोटे छोटे बच्चे। इसका नाम है क्लोई, इसका नाम है जाइलो और उसका नाम आई डोंट नो क्या है। एंड वहाँ पे गुड़गांव में आपने देखेंगे इनके अपार्टमेंट, देख लो ये है कमेलिया। ये अरे गुड़गांव में तीन चार अपार्टमेंट है, उनके नाम होते हैं कमेलिया पमेलिया ऐसे कुछ करके, आई डोंट नो व्हाट। ये सारे वो चारों अपार्टमेंट है भाई, बहुत महंगे। इसमें एक करोड़ का फ्लैट, इसमें दो करोड़ का, तीन करोड़ का। और ये है ना, ये अंबानी से भी अमीर है ये लोग, है ना? सही बात है ना, है ना भाई? तुम अंबानी से भी अमीर हो ना? तो वही अब डेली का शेड्यूल और रूटीन कि अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा और फिर मेरे को पीछे देखना है कि कोई है या नहीं है, है ना? उसके बिना तो जो मैं गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। और ये देखो क्या लिखा रही है, कपड़े प्रेस होने दे रहा है, धोबी। तो धोबी है? हाँ, मैं धोबी की सहायता करता हूँ। खैर यहाँ पे देख सकते हो भी, ये पीछे और कैमरा देखो कितना बढ़िया है, समझ रहे हो? ऑटोमैक्स वाला कैमरा है। चलते एक बार, देख रहे हो आपको पीछे से कैसे उनको ना वो कर रही है, कोई आना मत। तो ये घर में ये गाड़ी निकले, चाहे बलिनो निकले, चाहे स्विफ्ट निकले, कोई से भी निकले, ये हमारा एक सिक्योरिटी चेक रहता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं वहां पे एक चेक नहीं होता कि एम्प्लॉयज चेक करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ये चेक करते हैं डॉगी बोगीज कि कोई सा भी जो है गाड़ी के नीचे ना जाए। और हमारा नहीं है ना, अगल बगल वालों पड़ोसियों का भी है, ये लोग भी सेम करते हैं, ये लोग भी सेम करते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। और आसपास अगर कोई भी आता जाता भी ना यहाँ से, तो वो भी चेक करता है कि भाई इनके कुत्ते बाहर ना बैठे हों। तो इस प्रकार जो है भाई हम कुछ डॉग लवर्स हैं। तो भाई यहाँ से डलवा लिया, वाईफाई वाईफाई है, दबा दे सर। हाँ पूरा उस तरफ से रखना, सिंगल टैप करो। हाँ नहीं हो रहा भाई वाईफाई से। अरे भाई सही से कर रहा है, वाईफाई से करना तो हो जाएगा, वाईफाई से करवाता हूँ मैं तो। चलो कोई ना, वैसे कर ले। तो भाई यहाँ से 505 किलोमीटर जो है चल चुकी गाड़ी, थोड़ा नीचे ला। तो ना इस गाय को हमेशा से ऐसे चिड़ होती है कि जब भी वो किसी कबूतर वबूतर को देखता है और ऊपर घर पे भी वो भूखता रहता है, तो आज जो है ना ड्रोन लगा दिया उसके पीछे और वो ड्रोन को देख के भाई कूदे जा रहा है, कूदे जा रहा है, कूदे जा रहा है। आपको भी दिख रहा होगा। और स्काई जो ब्रीड है वो डालमेशन है, और डालमेशन के बारे में एक बताऊँ, ये बेसिकली शिकारी ब्रीड आती है। वैसे तो वर्ल्ड का मतलब कौन सा 5th या 6th रैंक पर इनको मोस्ट डेंजरस डॉग्स में कंसिडर करा जाता है, बट डिपेंड्स कि आप कैसे अपने डॉग्स को रखते हो। बट यहाँ पर स्काई की जो जंप है ना वो इतनी ज़्यादा ऊँची, जिसकी वजह से अगर आप लोग देखोगे हाइट में तो मेरे से ऊँचा कूद जाता है वो, अगर मतलब पूरा कूदने पाए तो। यहाँ पे वो ड्रोन को बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहा था, एंड फिर उसमें एनर्जी भी इतनी ज़्यादा रहती है, तो मैंने सोचा कि मैं उसको थोड़ा थका भी दूँ। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कैसे वो जब से ट्राई ट्राई करे जा रहा है, करे जा रहा है कि मैं पकड़ लूँ। यहाँ से जो है छुटकी भी आ जाती है साइड में कि मैं भी पकड़ने की ट्राई करती हूँ। राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। एंड भाई मुंह पे मुस्कुराहट का एक ही बस छोटा सा रीज़न है कि कल जो है मैंने भाई आई क्विट वीडियो डाली थी। एंड सबसे पहले तो भैया हाथ जोड़ के आप सभी को सॉरी एंड बहुत ही ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ मैं कि जिन मेरे भाइयों को मैंने दुखी करा या जिनको थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ा मेरे जाने से। एंड देखो सिंपल सी चीज़ है कि भाई एक बार एक इंसान होता है ना, वो मतलब मैं डीमोटिवेट होने वाला इंसान नहीं हूँ, बट देन फिर बहुत ज़्यादा हेट गाड़ी के ऊपर, ये ऊपर वो ऊपर, तो एक बस ब्रेक लेने का मन था कि भाई ब्रेक ले लूँ मैं। बट उसके बाद जो है एज एन, एक मैं यूट्यूब के बिना रह नहीं सकता, मैं रह सकता हूँ यूट्यूब के ना, बट आप लोगों का जो प्यार है ना उसके बिना मैं नहीं रह सकता। मैसेजेस में बताऊँ, मेरे बर्थडे पे इतने विशेज़ नहीं आए मेरे को, मैं मैसेजेस की बताऊँ मेरे बर्थडे पे इतने विश नहीं आए भाई मेरे को जितने मेरे को आप लोगों ने करे। 313 कमेंट हैं, उनमें से मेरे हिसाब से 10 या 20 कमेंट कुछ ऐसे होंगे जो मेरे को कह रहे थे कि हाँ भाई तू मत आ। तो देखो भाई 99% लोगों ने बोला कि हर्ष भाई वापस आ जाओ। उसमें रीजंस क्या थे, एक भाई बोला छोटा छोटा ही था बड़ा है कि हर्ष भाई अगर आप नहीं आए तो मैं सुसाइड कर लूँगा। एंड आई लाइक कि नहीं भाई सुसाइड मत करो। और 25% लोगों ने बोला कि हर्ष भाई जब मैं खाना खाता हूँ तब मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। तो ये चीज़ मेरे को, मैं अपने आप से रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि जब मैं खाना खाता हूँ तो उस टाइम भी मैं वीडियो देखता हूँ अपने फेवरेट क्रिएटर्स की या फिर किसी की, उसके बिना मैं खाना नहीं खा पाता। तो कई भाई ऐसे हैं जो बोलते हैं हर्ष भाई हम खाना खाते तब आप वीडियो देखते, कई ऐसे बोले मेरे से अमित जैसे भाई, कई सारे भाई की हर्ष भाई जब तक आपकी वीडियो ना देखने दिन नहीं बनता, हम यूट्यूब खोलते हैं सबसे पहले हर्ष व्लॉग सर्च करते हैं। तो इतने सारे कमेंट्स एक साथ आ गया, आई वाज सो हैप्पी सो हैप्पी। 2-3 नेगेटिव कमेंट्स भी थे, लेट्स टेक देम एज अ हेल्दी क्रिटिसिज्म, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा, उनकी भाई जलन हो गई है कुछ। इवन तो भिवानी से एक दो है भाई वो बोले कि हाँ भाई मत आ यूट्यूब पे, तो ये वो, तो नो इश्यूज, उसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं हेल्दी क्रिटिसिज्म लूँगा बिकॉज 99% जो लोग हैं उनने मेरे को बोला है कि हर्ष भैया आप आ जाओ। और अगर 5-10% ने बोल भी दिया, 1-2% ने जितने भी कि मत आ, तो मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो है उसमें इतना, देखो भाई मैं हूँ कंटेंट, सो गाइस देखो मैं हूँ कंटेंट क्रिएटर और आप हो कंटेंट कंज्यूमर, ठीक है?
मेरे एक कंटेंट क्रिएट करने पे मेरे कितने सारे भाई जो है मेरी वीडियोस देखते हैं, तो यूँ लगा लीजिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है 99%, क्योंकि मैंने आप लोगों को मेरे साथ जोड़ा है, मेरी फैमिली बनाई है। एंड अगर मैं एकदम से ऐसे चले जाऊंगा तो मेरे को ही भगोड़ा बोलोगे आप लोग, और बोलना जायज भी है क्योंकि इतने दिन से अगर मैं डेली एक वीडियो लेके आ रहा था एंड मैं एकदम से नहीं लेके आता और आप लोग मेरी तरफ वजह से 1% भी मतलब दुखी होते हो, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। एंड गाइस दूसरी चीज़ की आज तक अगर मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ये गाड़ी अच्छी है, ये गाड़ी बुरी है, तो आगे भी मैं वही कंटिन्यू रखूंगा। सो गाइस एक सजेशन आपसे बस आखिरी में चाहिए। एंड हाँ, अभी भी नीचे आएंगे कि हमें पता था ये पब्लिसिटी स्टंट था, क्लिक बेट था, ये था वो था, तो देखो भाई एक चीज़ तो मैंने देख ली है, मेरी परसों वाली जो वीडियो आई है, अब चाहे जितने भी नेगेटिव कमेंट्स आएंगे ना उनसे मेरे को इतना भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इतने ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स आ गए हैं। तो दिल में मेरे हमेशा एक चीज़ यही रहेगी कि भाई अगर मेरे इतने नेगेटिव कमेंट्स हैं तो मेरे इतने पॉजिटिव कमेंट्स भी हैं, मेरे इतने पॉजिटिव चाहने वाले भी हैं। 95% जो लोग हैं, 99% जो लोग वो मेरे को चाहते हैं, और एक दो अगर हेट कमेंट भी आ गया तो बस मेरे को पता चल चुका है कि भाई हर्ष तू ऐसे ही चलता रहे, तू आज तक जो करते आया वो अच्छा करते आया है। एंड आज तेरी इतनी सी ऑडियंस है, कल इतनी होगी, कल इतनी थी या जो भी है, बढ़ेगी आगे जो भी है, बस ऐसे ही करते रहो। क्योंकि अगर मैं अभी आप लोगों को देखो, कुछ लोगों को लगता है कि मैं एफर्ट नहीं डालता मेरी वीडियोज़ में, अगर मैं एफर्ट आगे डालूंगा तो सोचो कितनी ज़्यादा ऑडियंस होगी। तो धीरे धीरे देखो भाई मैं भी इंसान हूँ, मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूँगा आगे कि मैं और अच्छा कंटेंट लाऊँ आप लोगों के लिए, और अच्छा इन्वेस्टमेंट करूँ। तो बस ये है कि अब मैं डीमोटिवेट नहीं होऊंगा, अब मैं परेशान नहीं होऊंगा, बिकॉज मैंने इन पिछले दो दिन में देखा मेरे इतने ज़्यादा चाहने वाले, इतने अच्छे कमेंट है कि भाई दिल बन गया बस, ठीक है। तो अब जो है आपको हर्ष का एक नया वर्जन देखने को मिलेगा, जितनी वीडियो में पूरी जी जान से मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए। सेकेंड चीज़ एक छोटी सी मेरे को आप लोगों से ये चाहिए कि भाई देखो स्विफ्ट पे कंटेंट ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, थोड़ा सा कंटेंट रह रहा है, तो मैं मेरी नई गाड़ी तो भाई प्रोसेस है बुकिंग में। एंड आपसे बहुत से लोगों को पता भी होगा कि महिंद्रा की अगर आप XUV700 की बात करते हो तो उसका वेटिंग पीरियड 14 महीने तक जा चुका है, और महिंद्रा थार की बात करते हो तो उसका वेटिंग पीरियड जो है भाई वो भी 11-12 महीने चल रहा है। एंड उसके बाद अगर हम स्कॉर्पियो की बात करें, उसका न्यू मॉडल आ रहा है, तो नई गाड़ी तो अपनी आएगी, नो डाउट कौन सी आएगी वो आपको पता चल जाएगा। बट मीनवाइल अगर आपको कोई ऐसी गाड़ी है जिसका कंटेंट देखना है तो मुझे लिख के बताइएगा, मे बी मैं सेकंड हैंड गाड़ी एक परचेज करके 70-80 हज़ार रुपये की सिर्फ परचेज करूँगा ताकि आप लोगों को मैं कंटेंट दिखा पाऊँ। मीनवाइल की बात कर रहा हूँ, जब अपनी नई गाड़ी आ जाएगी तो वो तो कंटेंट एकदम अलग होगा। खैर भाई लोग, आज की वीडियो शायद मैं आपको बोर भी कर दूंगा, जो भी कराऊंगा, बट हाँ धन्यवाद उन्हीं सभी मेरे भाइयों के लिए, उन सभी मेरे चाहने वालों के लिए जिनने मेरे को सपोर्ट करा इसके बीच में और मेरे को वापस आने मजबूर करा, और धन्यवाद उन गिने चुने 4-5 लोगों के लिए भी जिनने मेरे को मतलब इसमें भी क्रिटिसाइज करा, तो ये दिखाने के लिए कि बेटा कई लोग ऐसे भी हैं, चाहे तुम जितने उदास रहो जिंदगी में फिर भी तुम्हारे खंजर घूमेंगे, ठीक है। तो इन सबको छोड़ते हैं, कल से आपको नई नई वीडियो देखने मिल जाएंगी 10 बजे। बाय, धन्यवाद।